दोस्तों एडवेंचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि अपने मोबाइल की कैलेंडर से आप क्या करते होंगे। दोस्तों आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलता होगा और एक ही चीज़ सोचते होंगे कि यार मोबाइल के कैलेंडर से तो सिर्फ डेट वगैरह देख सकते हैं, उसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों जो आप सोच रहे हैं ना, वो मैं भी यही सोच रहा था कि यार मोबाइल कैलेंडर से तो सिर्फ और सिर्फ डेट वगैरह देख सकते हैं, लेकिन आपका सोचना मेरा सोचना बिल्कुल गलत निकला है। क्योंकि दोस्तों जब मैं अपने मोबाइल के कैलेंडर ओपन किया ना और जब मैंने ये तीन खुफिया राज को देखा ना, तो मैं काफी ज्यादा चौंक गया था। और यदि आप अपने मोबाइल के कैलेंडर को ओपन करेंगे ना और यदि आप ये तीन खुफिया राज आप देख लेते ना, आप तो चौंक ही जाएंगे। लेकिन यदि दोस्तों आपका फ्रेंड देख लेगा ना, वो आपसे जलने लगेगा और वो आपसे जरूर पूछेगा कि ये चीज आपने कैसे किया, जरा मुझे बताओ। तो उनकी नजर में काफी ज्यादा स्मार्ट तो बन ही सकते हैं। यदि दोस्तों अपने फ्रेंड से पहले जानना चाहते ना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता इस वीडियो के अंदर मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। है मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे हो गटोगा YouTube चैनल। तो देख सकते रहा मेरा मोबाइल फोन। और चलिए मैं आपको बता देता हूं कि मोबाइल की ये जो कैलेंडर देख रहे हैं ना, इसके अंदर तीन ऐसी खुफिया राज कौन सी है। यदि दोस्तों आप जानना चाहते हैं ना सबसे पहले, तो आप उससे पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को ना एक लाइक जरूर कीजिएगा जो बिल्कुल फ्री होता है। यहां पे लाइक बटन मिलेगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा और ये लाल वाला बटन को क्लिक करें, चैनल को लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखे कैलेंडर। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये कैलेंडर का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वहां से आपको ये कैलेंडर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहां पे मैं बता दूं कि इसके अंदर ऐसी कौन सी खुफिया राज है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये खुफिया राज अपने मोबाइल में कैसे यूज कर पाएंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, कैलेंडर को ओपन किया होगा। तो जैसे ओपन करने के बाद यहां पर आपको साधारण सिर्फ डेट वगैरह यहां पर आपको नजर आता होगा, लेकिन यहां पर 10 नंबर को क्लिक करूंगा, 10 डेट को। जैसे 10 तारीख को मैंने क्लिक किया तो यहां पे तीन खुफिया राज यहां पे ओपन हो चुका। तो यहां से मतलब है कि आप अपना क्या कर सकते हैं, इस कैलेंडर के अंदर अपनी प्राइवेसी को छुपा सकते हैं। जैसे कि आपके फ्रेंड यहां पे व्हाट्सएप फोटो भेजता है और आप चाहते हैं कि मेरा व्हाट्सएप फोटो कोई और व्यक्ति ना देख पाए, वीडियो देख ना पाए, सॉन्ग को या म्यूजिक को या वॉइस को कौन ना सुन पाए, तो यहां पर आप वो चीज आप कर सकते हैं, यहां पर हाइड वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर फोटो को हाइड किया हूं और यहां पर मैं वीडियो को भी हाइड किया हूं, तो यह सब क्या हुआ कि आपके फ्रेंड वो फोटो वीडियो को गैलरी में नहीं देख पाए, क्योंकि आपने कैलेंडर के अंदर छुपा सकते हैं। यदि दोस्तों इसी तरह से आप भी छुपाना चाहते हैं अपने मोबाइल के कैलेंडर के अंदर, जैसे मैंने छुपाया, तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसे ओपन करना होगा। जैसे ओपन करने के बाद दोस्तों आप जो भी टाइम आप सेट करना चाहते हैं, यानी जो भी डेट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उससे क्या होगा कि आपका पासवर्ड बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर 11 सिलेक्ट किया और फिर से आपको 11 ही सिलेक्ट करना होगा। तो यह क्या होगा कि आपका यहां पे पासवर्ड एक जनरेट हो गया 11 तारीख का। तो यहां पे पासवर्ड जैसे जनरेट होने के बाद आप फोटो वीडियो को हाइड करना चाहते हैं, तो प्लस आइकन पे क्लिक करें और यहां पे ऑडियो हो चुका और यहां पे ऐड वीडियो और फोटो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटो पे क्लिक करता हूं, तो जैसे फोटो पे क्लिक करने के बाद जो भी फोटो लेना चाहते हैं वो फोटो को यहां पर सिलेक्ट कीजिए और जैसे सिलेक्ट करने के बाद ये हाइड बटन पर क्लिक कर दें। तो जैसे हाइड बटन पर क्लिक करने के बाद ये क्या होगा कि आपकी ये फोटो जो है ना इस फोल्डर के अंदर हाइड हो जाएगा, जिससे क्या कि आपकी गैलरी के अंदर शो नहीं होगा, इससे कि आपकी प्राइवेसी और भी ज्यादा सिक्योर हो जाती है, जिससे कि कोई भी बंदा आपके ये कैलेंडर को ओपन करेगा ना, तो उसे लगेगा कि यार एक कैलेंडर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आपको पता, आपके फ्रेंड को नहीं पता कि इसके अंदर खुफिया राज है जो किसी को नहीं पता होगा। जैसे आप यहां पर फिर से ओपन करेंगे तो 11 डेट को क्लिक करें और आपका यहां पर ओपन हो जाएगा और इसी तरह से आप यूज कर पाएंगे। यदि दोस्तों इसके अंदर से आप फोटो को हटाना चाहते हैं तो वो भी हटा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे क्लिक करता हूं और जैसे क्लिक करने के यहां पे क्लिक करना होगा फोटो पे, और जैसे फोटो पे क्लिक करने के बाद यहां पे रीस्टोर पे क्लिक करें और जहां रखना चाहते हैं वहां पे आपको रख दीजिए, ठीक है। ये वापस सा जहां पे फोल्डर था बना वहीं पे आप चला जाएगा और इसी तरह से आप यूज वगैरह कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल के ट्रिक। तो जरूर कॉमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।